हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है आपके राजस्थान जेल पहरी के तार्किक और मानसिक क्षमता प्रैक्टिस सेट 6 है। तो भाई, इससे पहले हम 5 पार्ट डाल चुके हैं, यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में जो है आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको बुक्स एंड नोट्स के पीडीएफ भी मिल जाते हैं। साथ में जो जितने भी पेपर आपके हुए हैं जेल पहरी के लास्ट ईयर, उन सभी के पीडीएफ जो है आपको वहां पर अवेलेबल है। तो आप अपना एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर उनको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपके बेस्ट क्वेश्चन है और सभी की सभी चीजें जो है आपकी उसमें क्लियर हो जाएंगी यदि आप उन पेपरों को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं इसी के साथ हमारा आज के वीडियो के लिए, जिसका जो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, जो कि आपके निष्कर्ष से रिलेटेड है, मींस कथन और निष्कर्ष है, सिलॉक्स कहते हैं इसको। तो यहां पर इससे क्या है, एक या दो क्वेश्चन आपके बनते ही है, और देखिए यहां पर गलतियां बहुत होती है स्टूडेंट्स की, तो यहां पर आप गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होते हैं, ज्यादा हार्ड इनमें कुछ होता नहीं है। तो जैसा जैसा इसने कहा वैसा वैसा एक वेन डायग्राम आप बनाइए। जैसे सबसे पहले इसने कहा सभी हाथी शेर हैं, तो आप देखिए नॉर्मल सी चीज है कि अगर मान लीजिए ये एक हाथी का प्लॉट है, ये एक हाथी का प्लॉट है, हाथी कहता है भाई इसके इसमें मेरा अधिकार है, तो ये इसका प्लॉट हो गया। अब कहता है जितने भी हाथी हैं सारे के सारे ये कौन है, शेर है, मतलब हाथी का जो जितना भी प्लॉट है वो किसके अंदर आता है, वो शेर के अंदर आता है। तो मैंने एक बना लिया एक घेरा ऐसा बड़ा जो कि हाथी को पूरा घेर ले, तो हमने बना लिया कि शेर का जो प्लॉट है वो इतना बड़ा है कि उसके अंदर ही हाथी का प्लॉट है। अब कहता है सभी शेर बंदर हैं, अब ये सारे के सारे जितने भी शेर का प्लॉट है या शेर है जो भी आप इसको मानना चाहें, वो सारे के सारे क्या है, वो आपके बंदर हैं, ठीक है। तो हमने यहां से वेन डायग्राम बना लिया। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी हाथी बंदर हैं। अब जो सभी के सभी हाथी हैं वो बंदर है कि नहीं है, अब देखिए जो हाथी का पूरा प्लॉट है वो किसके अंदर है, वो आपके बंदर के अंदर आता है ना, क्योंकि दिख रहा है साफ साफ। तो मतलब ये क्या है आपका ट्रू, इसने कहा है निष्कर्ष बिल्कुल सही है। अब कहता है कुछ बंदर हाथी हैं, अब कुछ बंदर हाथी हैं, अब देखिए बंदर का अगर मैं शेर हटा दूं, देखिए ये दो चीजें हैं, एक ये हाथी का प्लॉट है, ये हाथी का है और ये बंदर का है, ठीक है ना। अब देखिए बंदर का इतना वाला भाग, इस प्लॉट का ये हिस्सा जो है वो तो हाथी का ही है, तो मतलब कुछ बंदर जो है हाथी हो सकते हैं, हो सकता है हाथी के अंदर ही बंदर कोई बैठा हो, तो इसलिए ये भी आपका निष्कर्ष क्या निकल के आता है, ट्रू निकल के आता है। तो आप यहां पर ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे कि दोनों के दोनों निष्कर्ष जो है आपके क्या है, सही है, ठीक है। ऐसे हम एक क्वेश्चन और देखेंगे आगे, जबकि आप हर तरीके के जितने भी पैटर्न होते हैं उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सोल्व यहां पर करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुहास ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की। अब देखिए सबसे पहले दिशाएं होती हैं, ये आपको पता होगा, ये है आपकी नॉर्थ, ये है साउथ और ये है आपकी वेस्ट और ये है ईस्ट, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पश्चिम, ये पूर्व, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो सुहास ने मान लीजिए यहां से पूर्व की ओर मतलब इस साइड कितनी किलोमीटर की यात्रा की, 15 किलोमीटर की। फिर वह उत्तर की ओर घूमकर मतलब ऊपर की तरफ चलकर फिर कितना गया, 15 किलोमीटर गया। अब वह कहता है पश्चिम की ओर घूमकर फिर 15 किलोमीटर गया, तो फिर वो 15 किलोमीटर आया, ठीक है। अब वह कहता है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यहां से यहां तक की दूरी हमको निकालनी है, तो देखिए ये भी कितनी होगी आपकी, 15 होगी, तो आंसर यहां पर क्या रहेगा, 15 किलोमीटर ही आपका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात इतना था, 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, तो वाई की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए बेसिक मेथड जो इसका होता है उससे भी आप इसको कर सकते हैं, माना एक्स और माना वाई से। मैं आपको यहां पर जो है रेशो मेथड बताता हूं कि रेशो मेथड से कैसे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक एक्स है और एक आपका वाई है, तो इसकी आयु दी है आपको 2 वर्ष पहले, ध्यान रखिएगा 2 वर्ष पहले की आयु है ये, 5:7, मैं लिख देता हूं 2 वर्ष पहले, ठीक है, ये 2 वर्ष पहले की है। इसके बाद इसने दिया है 2 वर्ष बाद की, तो मतलब यहां पर है आपकी वर्तमान आयु, ठीक है ना, वर्तमान है यहां पर, कुछ भी है हमको पता नहीं है, पर यहां पर अब आपको दे दी कि ये है आपके 2 वर्ष बाद की आयु कितनी, 7:9 की, ठीक है। अब पूछ रहा है वाई की वर्तमान आयु ये निकालनी है। अब देखिए रेशो में कितना अंतर दिया है हमको, देखिए 5:7 में रेशो में अंतर दिया है 2 का, 7:9 का रेशो में अंतर दिया है हमको 2 का, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू बराबर है कितने साल के,
तो देखिए 2 वर्ष पहले यहां से 2 साल यहां तक हुए और फिर 2 साल यहां तक हुए, 2 साल प्लस 2 साल कितने हो गए आपके टोटल, ये 4 साल हो गए, 2 साल मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो 2 यूनिट की वैल्यू है आपकी 4 ईयर के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2 ईयर के बराबर। अब y की वर्तमान आयु क्या होगी, देखिए यहां पर आएगी, तो y की आप किसी भी वैल्यू में मान पुट कर दीजिए, मान लीजिए मैं इसमें करता हूं तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 14 प्लस 2 कितने हो गए 16, तो 16 साल आपका आंसर आ गया। यहां पर करते हैं तो 9 into 2 that is 18, क्योंकि 2 वर्ष बाद की है तो पहले जाएंगे तो -2 करना होगा हमको, तो कितनी आएगी आपकी, तब भी 16 वर्ष आएगी। तो आप जिसमें भी मान पुट करना चाहें तब आप मान इसमें पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि एच और डब्ल्यू की मासिक आय का अनुपात है आपके सामने, ये खर्च का अनुपात दिया है और उनकी बचत दी है, तो डब्ल्यू की आय बताइए। अब देखिए, अब मासिक आय जो भी है आपकी उसमें से खर्च घटाएंगे तो ही तो आप सेविंग कर पाएंगे, यही तो है सवाल में। देखिए H और W की जो मासिक आय है वो 4 है और इसकी 3 है, खर्च है 3 का और 2 का, ये है इनकी इनकम, ये है इनका खर्च। अब कह रहा है सेविंग क्या है, तो देखिए सेविंग अनुपात में देखें तो सेविंग अनुपात में कितनी होती होगी, देखिए 4 में से 3 अगर खत्म कर दिए तो सेविंग हुई होगी 1 की, और यहां पर 3 में से 2 खत्म कर दिए तो सेविंग हुई होगी खत्म 1 की, मतलब 1 यूनिट इक्वल टू कितने है 600 है, 1 यूनिट इक्वल टू कितने है 600 है, क्योंकि इसने सवाल में कहा है प्रत्येक 600 रुपए प्रति माह की बचत कर लेता है। मान लीजिए अलग अलग होते, मान लीजिए इनमें डिफरेंस 1 की बजाय यहां पर 1 होता यहां पर 2 होता, तो हम क्या करते आपस में इसको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करते और इनका डिफरेंस क्या है सेम कर लेते, ठीक है ना। अब यहां पर 1 की वैल्यू 600 है तो डब्ल्यू की आय कितनी है 3 यूनिट है, तो 600 into 3 कितने हो गए 1800, तो आपका आंसर क्या रहेगा ऑप्शन 4th रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो ये कहता है एक्स दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए दक्षिण कौन साइड होता है नीचे, तो यहां से मान लीजिए हमने चलना प्रारंभ करता है और दक्षिण की तरफ चलता है और वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और कौन साइड मुड़ता है दाईं ओर, तो मतलब दाईं ओर कौन साइड मुड़ेगा इस साइड, और 10 मीटर चलता है तो 10 मीटर हमने सो चला दिया। अब वह दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो बाईं ओर कौन सा साइड होगा नीचे साइड, तो यहां चलेगा ये 20 मीटर। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो अब देखिए वो नीचे की तरफ ही जा रहा है, मतलब दक्षिण ही यहां पर सही आंसर इसका रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सभी चूहे बिल्ली हैं। अब देखिए फिर वही आ गया कि देखिए चूहे हैं जो, उन चूहे का जो भी प्लॉट होगा ये वाला प्लॉट, ये सारे के सारे चूहे का प्लॉट किसका है, ये प्लॉट है बिल्ली का, किसका है फ्रेंड्स बिल्ली का, ठीक है। अब कहता है कुछ चूहे खरगोश हैं, अब कुछ चूहे क्या है खरगोश हैं, तो हमको एक कुछ चूहे का कुछ पार्ट जो है लेना होगा खरगोश के लिए, ठीक है ना। तो हमने यहां से इसका डायग्राम बना लिया। अब देखिए कुछ बिल्ली खरगोश हैं, अब कुछ बिल्ली खरगोश हैं, जैसे ही हमने कुछ चूहों को खरगोश में किया तो ये वाला जो पार्ट है ये किस में आ गया बिल्ली में आ गया, तो मतलब ये क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। अब कहता है कुछ बिल्ली चूहे हैं, अब कुछ बिल्ली चूहे हैं, तो यहां पर देखिए बिल्ली का ये वाला जो पार्ट है वो चूहे लेता है, तो मतलब ये भी क्या हो गया आपका ट्रू हो गया, तो दोनों निष्कर्ष यहां पर क्या होंगे सही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपके मैन एंड डे से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं m1 d1 h1 r1 divided by w1, ठीक है ना, जो भी आपको दिया गया है वो आप इसमें यहाँ पर यूज करते हैं, ये 1 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो जो संख्या आपको ऐसे ही सेम यहाँ पर m2 d2 ऐसा चलता है और नीचे w2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे कहा है वैसे करिए, देखिए 16 आदमी 12 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं, मान लीजिए वो काम क्या है एक काम है, ठीक है। अब कहता है कितने दिन में 24 आदमी उसी काम को, मतलब एक काम को पूरा कर देंगे, तो यहां पर अगर आपको काम दिया गया है तो आप उसको नीचे पुट करिएगा, नहीं तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए 12 दुनी 24 और 2 से कटाइए 8 टाइम, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आती है आपके पास 8, तो यहां पर आपका आंसर क्या रहेगा कि 8 दिन में उस काम को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मित्र है पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर। अब देखिए वही बात चीजें हो गई कि नॉर्थ एंड साउथ, मतलब ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं 5 दोस्त, तो देखिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 दोस्त हमने बैठा दिए ऊपर की तरफ मुंह करते हुए। अब देखिए यहां पर ये इसका होगा राइट हैंड साइड और ये होगा इसका लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये हो गया आपका बायां और ये हो गया आपका दायां, ठीक है, इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। अब कहता है एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। अब देखिए एस जो है टी और क्यू के बीच में बैठा है, मतलब यहां पर अब ये जो कंडीशन बनती है वो ये भी बन सकती है कि ये दोनों यहां पर भी ऐसे बैठ सकते हैं, अभी हमको कंफर्म नहीं है, कंफर्म कब होगा जब हम आगे की डिटेल पढ़ेंगे। ये कहता है कि क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं,
अब जो क्यू है वो आर के निकटतम बाई बैठा है, मतलब आर के बाया तरफ, तो आर का बाया देखिए इस साइड होता है, ठीक है ना। तो मतलब अगर मैं यहां आर को बैठाऊं और एक यहां आर को बैठाऊं, तो देखिए ये तो इसके कौन साइड हो गया, दाएं साइड हो गया, और ये कौन साइड है इसके, बाएं साइड, ये कौन साइड हो गया, बाएं साइड। तो मतलब जो हमारा ये वाला डायग्राम है ये बिल्कुल गलत हो गया, ये हमारा बिल्कुल सही है। अब चार मित्र हो चुके हैं, आप कहता है पी टी के निकटतम बाई ओर है, टी का बाया कौन सी साइड होता है, इस साइड, कौन सी साइड होता है, इस साइड। तो मतलब पी कहां बैठेगा, ये साइड बैठ जाएगा। तो मतलब पी टी एस क्यू और आर ये इस तरह से बैठे हुए हैं। अब पूछता है बीच में कौन बैठा है, तो बीच में देखिए यही बैठा है, मतलब एस, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपके दो क्रमवार बट्टे आपसे पूछा गया है, तो बट्टे के समतुल्य आपको निकालना है। तो देखिए यहां पर हमेशा जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपको 100 माइनस एक्स परसेंट करना होता है, तब आपका आंसर आता है बट्टे के रूप में, ठीक है। तो यहां पर देखिए मान लीजिए 100 रुपीज में से या 100 यूनिट में से मैं आपको बट्टा देता हूं 10% का, 10% का बट्टा मतलब कितना हो गया 90/100, ठीक है। सेकंड बट्टा कितने का है, 5% का, मतलब 95/100। इसको टू कितने के आएगा ये हमको देखना है। तो देखिए 100 में से आपका 100 ये कट गया, इसको आप सिंपलीफाई 0 से 0 काट दीजिए, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 5 = 45 और 9 × 9 = 81 और 4 = 85, एक पॉइंट लग जाएगा 85.5। अब मैंने आपको क्या बताया, ये जो 85.5 निकल के आएगा वो समतुल्य बट्टा नहीं है। समतुल्य बट्टा कब निकलेगा, जब इसको हम 100 माइनस एक्स परसेंट करेंगे, मतलब 100 माइनस 85.5% करेंगे, तो हमारा समतुल्य बट्टा निकल के यहां से आ जाएगा। तो देखिए यहां पर इसको तो ये बचेगा 0.50% और ये बचेगा 9 में से 5 जाएंगे 4, 9 में से 8 जाएंगे, तो एक 14.50% जो है यहां पर आंसर होगा, मतलब ऑप्शन 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर फ्रेंड्स हमने इंपोर्टेंट कुछ भाग को किया जो कि जेल पहरी में आपसे लास्ट ईयर पूछे गए थे, तो ऐसे पैटर्न्स से रिलेटेड सवाल आपके आते हैं क्योंकि इसका जो लेवल है वो यही है, तो ज्यादा हार्ड पेपर इसमें बनता नहीं है। तो फ्रेंड्स इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे हमने आपको सारे के सारे जो चैनल में उस सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप उनको प्लीज एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।